चेतनाओं का जगत है क्या, उनका कोई अस्तित्व है? और इन दिनों जब इस विषय पर बहुत गहन शोध हो रहा है और जो पुराने धर्म हैं उन धर्मों में बहुत ही मतभेद है इनको लेकर, हमारे पास ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, सारे धर्मों का एक ही कहना है लेकिन फिर भी मतभेद है, लेकिन ये एक ऐसा इश्यू है जिसमें अनेक धर्मों का अनेक मतभेद है, अनेक वीव है, और आज का साइंस बहुत इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो मेरी बहुत क्यूरियोसिटी कि क्या है ये, क्या, क्योंकि हमारा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट हैंड वन हैंड कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सब कुछ सुनी सुनाई बातें हैं। देखो स्वामी जी, आपकी सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी जिसमें आखिर में आपने कहा कि मेरा अपना कोई अनुभव नहीं, सब सुनी सुनाई बातें, निश्चित ही सभी की सुनी सुनाई बातें ही हैं। धर्म जगत में एक शब्द बोला जाता है अज्ञात। अज्ञात का अर्थ होता है जिसे हम इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते, लेकिन जब हम इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते तो आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही, क्योंकि चर्चा तो इंद्रियों की ही होगी, जुबान बोलेगी, कान सुनेंगे, आंखें देखेगी, तो इसके पीछे थोड़े से कुछ कारण है जिनको हमें समझ लेना चाहिए। एक तो है व्यक्तिगत अनुभूति। व्यक्तिगत अनुभूति तो हर व्यक्ति को स्वयं होगी, लेकिन जिसको कुछ ऐसी अनुभूति होगी वो सदा प्रयास करेगा कि किसी तरीके से कुछ इंद्रियों के माध्यम से भी स्केचेस तैयार किए जाएं जिससे अपनी बात कही जा सके। ये विषय जो है वो कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है कि हर धर्म ने आत्मा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर लगभग एक जैसी बातें कही, लेकिन अभिव्यक्तियां सभी की थोड़ी थोड़ी भिन्न हो जाती है, और वो भिन्नता जो है वो मतभेद पैदा करती है। जैसे मरते सब लोग हैं, हर धर्म मानता है कि मृत्यु के बाद एक स्वर्ग होता है या एक नरक होता है या कहीं चले जाते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद हिंदू मानते हैं पुनर्जन्म होता है, मुस्लिम कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है। क्रिश्चियंस के संबंध में यह है कि थोड़े से वो भटके हैं, होता है कि नहीं होता उसके बीच में खड़े, वो भी शोध पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज वो मानते हैं कि प्रेत होते हैं। तो इसी तरीके से सभी जगह बातें थोड़ी 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 डिफरेंस पैदा कर देती है, लेकिन जहां तक मैं अपनी बात कहूं तो यह एक ऐसा विषय है, इसको अगर मस्तिष्क के तल पे एक अच्छे तर्कों के साथ, समझदारी के साथ पेश किया जाए तो ये धर्म जगत की यात्रा आसान कर देता है, क्योंकि जितने भी लोग ध्यान में उतरते हैं या कुछ भी उतरते हैं उन सबके पास सबसे पहले संदेह होता है। निश्चित ही मैं आपको आत्मा दिखा नहीं सकता, निश्चित ही मैं आपको आत्मा महसूस नहीं करा सकता, लेकिन एक चीज तो कर सकता हूं कि कुछ स्केचेस खींच के आपके मस्तिष्क में जो उलझे हुए प्रश्न हैं उनको थोड़ा सुलझा सकूं, क्योंकि प्रश्न उलझे हुए हैं। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि बहुत पहले एक छोटा बच्चा था, उम्र रही होगी 4-5 साल की, उसने माँ से एक बड़ा साधारण सा प्रश्न किया जो कि असाधारण हो गया। उसने प्रश्न किया, आसमान में कितने तारे? माँ कंफ्यूज, तारे हैं ये निश्चित है लेकिन कितने हैं इसकी संख्या तो पता नहीं। माँ ने थोड़ी देर दिमाग चलाया और एक उत्तर दिया, जितने सर में बाल तुम्हारे। बच्चे ने बाल सहला के देखे, बहुत सारे हैं, थोड़े गिनने के प्रयास किए, फिर थक गया, पूरा झंझट में नहीं पड़ते, मान लेते। तो एक ऐसा तर्क था जिसने उस वक्त बच्चे की उस चेतना को शांत कर दिया। फिर कहानी तो आगे बढ़ती रहती, सदा बढ़ती रहती, आज के बाद भी बढ़ेगी। तो फिर हुआ ये कि वो बच्चा बढ़ते बढ़ते नासा में इंजीनियर हो गया।
उसने बाल भी काट के गिन के देख लिए और ये भी क्लियर हो गया कि इससे तो ज्यादा ही है। लेकिन फिर वो क्वेश्चन ने एक नया रंग उठा। वो अपने सर के पास गया, बॉस के पास जो उसके टीचर था, और उसने जाके वहां वही क्वेश्चन किया कि आसमान में कितने तारे। तो उसके बॉस ने एक उत्तर दिया कि समुद्र में जितनी रेत है उतने कण। अब इस समय ये असहाय है कि अब इतनी रेत के कण गिन नहीं सकता, एटलीस्ट फिर मान लेता है। इतना ही उपयोग है कि उलझे हुए प्रश्नों को थोड़ी देर के लिए शांत करके अपने जीवन को कुछ गति दी जा सके। ये बात मैं इसलिए कह देना जरूरी समझता हूं कि मैं यहाँ कोई ऐसी चीज देने के लिए शब्दों के माध्यम से नहीं बैठा कि जो आपको परिपूर्ण मुक्त कर दे, लेकिन शब्दों के माध्यम से इतना तो कर सकता हूं कि कुछ जमे हुए कूड़े करकट को थोड़ा साफ कर दूं और आगे बढ़ूं। चलिए आज चेतना जगत की कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ ऐसे शब्दों के और तर्कों के उपयोग करेंगे जो साधारणता आपने महसूस की। सबसे पहले तो ये बात मान लेना जरूरी है कि चेतना का कोई अस्तित्व होता है, चेतना जैसी कोई चीज होती है, और अब इसे प्रूफ किया जा चुका है। दो तरीके से प्रूफ किया जा चुका है, एक तो हिप्नोटिज के माध्यम से लोग दूसरे जन्मों की बातें बताने लगे, अपने पिछले जन्मों की बातें, और दूसरा सदा से कुछ ऐसे किस्से भी देखने में आए कि कुछ लोगों ने छोटे बच्चे होके पिछले जन्म में वो क्या थे उसका पूरी डिटेल दी और बहुत अच्छे ढंग से दी, उसकी रिसर्च भी हुई और वो सही पाए गए, उनकी मेमोरी पिछली थी। तो ये जो दो बातें हुई, इन दो बातों से इतना तो प्रूफ हो गया कि कोई चेतना जैसी चीज का अस्तित्व है। लेकिन आखिर ये चेतना होती क्या है? तो जब इस पे चिंतन करने आप बैठेंगे तो आप एक चीज पाएंगे, वो ये कि यदि सोल किसी व्यक्ति में आती है तो उसका शरीर वैसा नहीं होता, उसकी जीवन की बहुत सारी शैलियां जरूरी नहीं वैसी, लेकिन एक चीज है जो वैसी हो सकती है, वो है मेमोरी। तो मेमोरी ऐसी है कि पहले एक सीडी प्लेयर में बसती थी, अभी वो दूसरे सीडी प्लेयर में पहुंच गई। ये सीडी जब इससे निकाली गई और उस सीडी प्लेयर में डाली गई, इसके बीच में ये कहां थी ये सीडी प्लेयर्स को नहीं पता है, और वो सीडी तभी कुछ कह सकती है जब वो सीडी प्लेयर के साथ हो, वरना सीडी प्लेयर को भी नहीं पता, सीडी को भी नहीं पता कि वो कहां थी जबकि वो थी। तो हम एक ऐसा मान सकते हैं कि जितनी भी चीजें हमारी बॉडी में है, पांच तत्व हैं, पांचों तत्व अलग अलग तरीके की चीजों का निर्माण करते हैं, लेकिन एक तत्व ऐसा है जो हमारे विचारों का, हमारे चिंतन का निर्माण करता है, और वो तत्व है वायु। बहुत समय पहले भी इसको एक शब्द दिया गया था, प्राण वायु। अब ये प्राण वायु के संबंध में समझना हो, क्या वास्तव में ये वायु ही हमारे विचारों को चलाती है? तो अगर हम इसको समझना चाहें तो कुछ ना करें, अपनी सांस को रोक के देख लें। आप अगर सांस को रोकें तो आप जीवित तो हैं, बहुत समय तक जीवित रहेंगे, लेकिन आपके विचारों का प्रवाह जो है वो बहुत बिगड़ने लग जाएगा, प्रवाह वैसे नहीं रह सकता, वो खंडित हो जाएगा, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, आप किसी एक विषय पर चिंतन नहीं कर सकते क्योंकि वो डोरी टूटने लगी। तो कहीं ना कहीं ये प्राणवायु जब शरीर में होती है तो हम उसको जीवित शरीर बोलते हैं, आत्मा के साथ बोलते हैं,
और ये प्राणवायु जब शरीर में नहीं होती है तो हम उसको यही कह सकते हैं कि अब शरीर में आत्मा नहीं है। लेकिन प्राणवायु का तुम वेट करोगे कि अब मरने के वक्त कितना कम हो जाता है, क्या चेतना के वजन तोलोगे, इससे कुछ नहीं मिलेगा। यही हो रहा है, डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं आजकल, वो देखते हैं कि कितना मरते वक्त, मरने से पहले कितना वेट था, मरने के ठीक बाद कितना है। वो कहते हैं कुछ औंस कम हो जाता है, उसी में अभी अटके पड़े हैं कि आत्मा इतने वजन की होती है। लेकिन असली चिंतन करने योग्य है कि ये जो सांसों की डोरी है, ये टूट जाने के बाद क्या आत्मा कहीं चली जाती, क्या कोई प्लेस है वहां चली जाती? नहीं, पंच तत्व निर्मित, पंच तत्व विलीन। और जब ये शरीर में रहती है तो जिस तरीके से सीडी प्लेयर एक सीडी को अपने अंदर लेता है, तो ना सीडी में सब कुछ है, ना उस दिख रहे डिब्बे में, बल्कि उसके अंदर की एक कार्य प्रणाली है जो सब मिलके चित्रों का निर्माण करती है। ऐसे ही जब प्राणवायु सही ढंग से शरीर में रहती है, कोई डिस्टरबेंस उसको और तरीके की चीज नहीं देती, तब वो हम उसको चिंतन मान पाते हैं, कहने का तरीका मान पाते हैं, वरना हम उसको कुछ नहीं मान सकते। सीडी प्लेयर भी अगर अंदर के कुछ सिस्टम खराब हो जाए तो कोई चित्रों का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अब मूल्यवान बात यह है कि ये मरने के बाद जाती कहाँ है और दोबारा आती कैसे है? असली प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने पुनर्जन्म के किस्से सुने हुए? लगभग सभी ने। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, वो ये कि पुनर्जन्म के केसेस में जब व्यक्ति मरा तो उसे दिख रहे थे कि उसके घर में कौन लोग आए, रो पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके बाद उसको जलाने दफनाने ले गए, तब तक का भी उसको पता है। लेकिन जब उसको जला दिया, उसके बाद की कोई याद उसे नहीं रहती। क्यों? आखिर उस वक्त ऐसा क्या था जो देख रहा था? उस वक्त क्या ऐसा शरीर में था जो सुन रहा था? क्योंकि बोलने की क्षमता खत्म हो गई थी, कहने की और चलने की क्षमताएं खत्म हो गई थी, लेकिन उसे देखने की क्षमता बाकी थी। मरने के बाद भी वो देख पा रहा था, आखिर ये क्या था? और फिर जब शरीर जल गया तो फिर उसके बाद वो क्यों नहीं देख पाया? उसके बाद वो क्यों नहीं देख पाया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इसी प्रश्न को थोड़ा समझो। इस प्रश्न को समझना हो तो ऐसे समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर की एक छाया होती है। तो एक तो छाया है जो हमें दिखती है रोशनी के रिफ्लेक्शन से, लेकिन एक छाया और है, और उसको अब पकड़ना शुरू कर दिया है वैज्ञानिकों ने क्रिलियान फोटोग्राफी के माध्यम से। क्रिलियान फोटोग्राफी मनुष्य के शरीर में हो रहे बदलावों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में पकड़ लेती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये बताती है कि एक इंसान जो है वो इस समय किस तरीके के विचारों से भरा हुआ है, उसका ऑरा बताता है। वही, और धीरे धीरे, अभी वो कलर बताती, कलर से उसका ऑरा पता लगता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक कलर ब्लैक हो जाता है, और जब वो ब्लैक हो जाता है उसके बाद वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि 6 महीने के अंदर ही मर जाएगा। ठीक है, अब इसको, इस विज्ञान को समझना हो तो ऐसे समझो, महावीर ने इसको कहा कि जब महावीर के पास कोई आता था तो वो उसे कुछ नहीं पूछते थे, बस आंख बंद करके उसका ऑरा देखते थे, और एक कलर से ही
उसका वो मनोविज्ञान बताते थे। तो दो और ऐसे होते हैं जो कि अद्भुत घटनाओं के साथ देखे जाते हैं, पीले कलर का ऑरा, ब्राइट कलर का ऑरा बुद्ध पुरुषों के पास देखा जाता है, जिसे चित्रों के पीछे एक ऑरे का रूप देते हैं, और साथ साथ ब्लैक कलर का जो ऑरा होता है वो मृत्यु वाले के उसमें देखा जाता है। लेकिन आपको एक चीज और बताता हूं, क्योंकि ये घटनाएं सुनी हुई है इसलिए मैं उन्हीं का उपयोग कर रहा हूं, बात जल्दी समझ में आएगी। एक प्रयोग हुआ था पश्चिम में कि पेड़ों के ऊपर कार्डियोग्राम लगा के उनके अंदर की लयबद्धता को जांचने का काम किया गया था, कि एक पूरे ही बाग में सभी पेड़ों पे कार्डियोग्राम मशीन लगाई गई, उनको एक संगीत सुनाया गया, वो लयबद्ध है, लयबद्धता उनमें है। फिर अचानक ऐसा किया गया कि किसी को थोड़ा पीटा गया, पेड़ को थोड़ा थपावा गया, वो कांपने लगा। लेकिन एक घटना तो बड़ी अद्भुत घटी, उसी प्रयोग के दौरान 1 किलोमीटर दूर पे एक आदमी को कहा गया, जाओ और उस बाग में जाके लकड़ी का एक पेड़ काट लो। उसने कुल्हाड़ी उठाई और काटने की नियत से बढ़ा। अब वो नहीं जानता है कि कौन सा पेड़ काटेगा और पेड़ को भी नहीं पता है कि कोई ऐसा है, लेकिन एक पेड़ में कार्डियोग्राम उसका चेंज हो गया, कंपित होने लगा एक पेड़ का कार्डियोग्राम। और वो व्यक्ति जब आया तो उसने उसी पेड़ को काटा। ये क्या था, ये क्या हो गया था, कौन सी ऐसी चीज थी जो इन दोनों के बीच की दूरी में एक माध्यम बन गई। इतनी दूर से पता लग गया कि एक मेरी हत्या करने निकला है और उसके अंदर से पता लग गया कि किसकी मुझे हत्या करनी है। अभी हम इसको सरप्राइज इसलिए नहीं मानेंगे, अगर मैं इसको नए ढंग से समझाऊं तो हम लोगों के मोबाइल हजारों किलोमीटर की दूरी पे इतने आसानी से बज रहे हैं, एक दूसरे को जानकारी दे रहे हैं, तो चमत्कार नहीं है। और ये सारा कुछ हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बेस पे, ये सिर्फ उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम तक अपने संदेश पहुंचाने। अब चेतना किस ढंग से शरीर से अलग होती है और क्या उसका प्रारूप होता है, इस संबंध में एक घटना की जानकारी मैं आपको दूंगा। 1992, मैं कोई भी ये बात अब किताबी नहीं बोलने जा रहा, 1992 मेरी खुद की मैरिज होने को थी, बहुत जल्दी की तैयारी थी। मेरी माँ मेरी सिस्टर को लेने के लिए दिल्ली गई, दिल्ली में मेरी सिस्टर, उनके दो बच्चे और मेरी माँ, चारों लोग बस स्टेशन पहुंच गए और बस पकड़ लिए। तो जब हमारी सिस्टर बस में बैठ रही थी तो उसकी कुछ आंख ऐसी है, शायद उसकी सेटिंग बिगड़ी हो आंख की, कि उसे ऑरे दिखते हैं, उसे ऑरा दिखते हैं, और ब्लैक ऑरा देख लेती है वो, किसी का भी अगर ब्लैक ऑरा हो रहा है तो उसको दिख जाता है, सिंपली आंखों की सेटिंग बिगड़ गई। वहां पे जैसे वो बस में बैठी जाके उसने देखा कि खिड़की के बाहर दो ब्लैक साय है, वो मतलब उस समय उसने ऐसे बताया कि मुझे दो साए दिखे। तो उसने ऐसे कहा, उसने कहा लो ये काले साए अभी से पीछे पड़ गए। तो आगे की सीट पे जो दो लोग बैठे थे वो कहने लगे उनसे पलट के, क्यों ऐसी बातें कर रहे, शुभ शुभ बोलो, यात्रा शुरू होने वाली। तो मेरी सिस्टर चुप हो गई, लेकिन सिस्टर बोलती है कि वो दोनों काले साए संग संग चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और मिलक में उसी बस का दूसरी बस से एक्सीडेंट हुआ, 56% एट द स्पॉट मरे, बाकी सिर्फ ये 5 लोग, दोनों बच्चे ऐसे ही सीट के नीचे खसक के बच गए, माँ साइड में गिर के उधर साइड में बच गई और सिस्टर भी इसी तरीके से बच गई, और एक लड़का और, 5 लोग ऐसे बचे थे जिनके शरीर में कोई चोट नहीं आई थी, गुम चोटें आई लेकिन ऐसी चोट नहीं आई, बाकी सभी लोग खूना खच्चर हुए।
उसके बाद ये घटना यही नहीं रुकी, वहां पे एक दूसरी बस वाला रुका, उस बस वाले में ये पांचों सवारी चढ़ी। ये पांचों सवारी चढ़ने के बाद जो आगे केबिन होता है उस केबिन में उनको बैठाला और कुछ किलोमीटर दूर जाके केबिन में आग लग गई। रात में उसने इन सवारियों को ये कह के उतारा कि मनहूस सवारियां। फिर वहां एक ट्रक ड्राइवर सरदार, उसने ट्रक में इन लोगों को जगा दी, खून से सने हुए सब ऐसे देख के और दूसरों के खून से। जब उनको दी जगह तो शाहजहांपुर पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले उस ट्रक का एक्सेल फट गया, पूरा ट्रक फाड़ दिया उसने। एक घटना, दो घटना, तीन घटना। जैसे जैसे घर पहुंचे, ये घटना जब वो बयान करती हैं तो मैं इसका विश्लेषण इस ढंग से करता हूं कि एक लंबी दूरी के तहत हम लोगों को इतनी सेटिंग नहीं है। जैसे अगर हम 10 मंजिल पे खड़े हो जाएं तो हम ये देख के बता सकते हैं कि इस गली में कौन आ रहा, लेकिन हम अगर नीचे खड़े हों तो हम नहीं देख के बता सकते कि गली में कौन आ रहा। और अगर 100 मंजिल हो तो शायद 15 मिनट पहले बताया जा सकता है कि इस गली में एक आदमी आने वाला है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ गई। तो कुछ ऐसी सेटिंग है इस जगत की कि बहुत लंबी व्यवस्था के तहत इधर से जब बस चली थी तब इनके अंदर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पता लग गया था कि हम मरने वाले हैं। और काले साए हमारी सिस्टर कहती है कि लेने आए थे, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, लेने नहीं आए थे। जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा कंपित होती है तो वो आपके शरीर का साथ छोड़ देती है, पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है। और वो अलग नजर आ रही थी, इसलिए ऐसा प्रतीत कहा गया है, बहुत धर्मों में कहा गया कि काले साए लेने आते हैं। लेने नहीं आते हैं, आपकी अर्थ की फील्ड ही जो है वो छोड़ के काले साए के रूप में थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। और यही फील्ड जब आप मरते हैं तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो अलग हुई थी उसके अंदर आपके साथ रहते रहते आपके ही कुछ लक्षण पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मरने के बाद क्या क्या लोग कर रहे हैं हमारे साथ इसको देख पाती। फिर जलाते वक्त होता यह है कि अगर हम यहां पे अपना हाथ रखें तो इसकी परछाई पीछे पड़ेगी, लेकिन अगर इस हाथ को जलाना शुरू करें तो पीछे पीछे परछाई भी जल जाएगी। उसके बाद ना तो हाथ का वजूद है ना परछाई का वजूद है। यही कारण है कि आफ्टर बॉडी डिस्ट्रॉय जब हो जाती, खत्म हो जाती, तो उसमें फिर कोई भी किसी तरीके की जानकारी नहीं रहती। अब यही जानकारी हवा में है, क्योंकि पंच तत्व निर्मित और पंच तत्व विलीन, पांचों तत्वों से एक चीज आई थी, पांचों तत्वों में गई, तो जो तत्व हवा का तत्व था वो जानकारी ले गया। अब यही तत्व हवा में रहेगा, जब कभी कोई जोड़ा उससे संबंधित, क्योंकि हर चेतना की एक कोडिंग होती। बचपन में मुझे याद है कि कभी कभी हम ऐसे गुस्से में बोल देते थे, इससे अच्छा तो किसी फकीर के पैदा हो जाते, तुम लोग तो मेरा कहने नहीं मानते, इससे अच्छा तो हम किसी चमार के घर में पैदा हो जाते। तो हमारे दादा कभी कभी टीप मार देते थे, ऐसा मत बोला कर, सरस्वती बैठी होती लक्ष्मी भी कभी कभी, बात सच हो जाएगी। तो जीवन में ऐसे कई बार ऐसा होता है, या तो हम संकल्पवान होने के कारण या और कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों के कारण अपनी चेतना को एक ऐसी कोडिंग दे देते हैं कि उस कोडिंग से रिलेटेड जब कहीं कोई जोड़ा संभोगरत होता है और वो अपॉर्चुनिटी होती है कि ये बच्चा वहां कंसीव हो सकता है, तब ऐसे में वो जन्म का कारण बन जाता है। वो पूरी हवाओं में मौजूद है, वो एक एक इकट्ठी चीज है और वो वहां उतर जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ प्रश्न यहां बहुत गहरे आप लोगों के अंदर आ रहे होंगे, उन चीजों को उठा सकते हैं अगर बीच में उठाना चाहें। लेकिन इन चीजों को समझने के लिए अगर एक और बात बताता हूं
पहली बात तो ये डिस्प्यूटेड लग रही है कि आप कह रहे हैं मैंने प्रश्न उठाया चेतना के बारे में, मैं वही जा रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा मुझे वो चेतना वाली बात नहीं समझ में, नंबर एक। नंबर दो, जो प्रत्यक्ष एक प्रश्न जो आपके कहने से जो उठे, आप कह रहे हैं चेतना जो है पांच तत्व से आई और महाविलीन। तो अब तक तो यही सुना गया शरीर जो है पांच तत्व का बना है और वो पांच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन चेतना जो है अमर है, एक एक मतलब वो न जन्मती है न मरती है, तो वो पांच तत्व से नहीं बनी है। तो अब आप इसको समझे, अब जब बनी नहीं है तो मिटने का सवाल नहीं होता। नहीं, नहीं नहीं यहाँ कृष्ण मिट ही गई जाती। यहाँ कृष्ण दूसरी बात कह रहे हैं, आप थोड़ा समझे। कृष्ण ने यह भी कहा है कि चेतना पांच, अब देखिए अब यहाँ पे अगर ये मैं कहूँ कि चेतना पांच तत्व से निर्मित है और पांच तत्व में विलीन होती है, सुनिए आप शरीर की बात सुन लीजिए ना। अब कृष्ण कह रहे हैं चेतना को काटा नहीं जा सकता, तो उस समय उनका दर्शन प्रकाश पे है, प्रकाश को काटने का कोई उपाय नहीं। अब वो कह रहे हैं कि चेतना को सुखाया नहीं जा सकता, उस समय उनका चिंतन वायु पे है, वायु को सुखाने का कोई तरीका नहीं। वो जब ये बोल रहे हैं चेतना को जलाया नहीं, ओ सुखाया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, तो वो सभी उन्हीं तत्वों पे निगाह रख के बोल रहे हैं, क्योंकि सब तत्व ही मिलके उसका निर्माण करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बात चेतना से संबंधित वो कही, क्योंकि हम चेतना को अभी मेमोरी के रूप में जानते हैं, वो वाली चेतना जो कहते हैं अल्टीमेट वाली चेतना जैसी अगर आप बात कहेंगे, तो मैं फिर यहाँ पे ये बात कहूंगा कि बहुत छोटी बुद्धि बहुत बड़े प्रश्नों को अभी समाने योग्य नहीं हो पाती। इसीलिए दर्शन जो कहा गया वो ये तो कहा गया कि ये मेरी अंगूठी तो है गूंगे के गुड़ जैसी, इसे मैं कर तो सकता हूँ, इसे मैं बदला नहीं सकता, इसीलिए स्क्रेचेस खींचने पड़ते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ मैं एक ऐसा असंभव प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्रेचेस खींच खींच के, ये तर्कों के माध्यम से, ये इधर से थोड़ा इधर से। तो ये जो चेतना, अभी जो चेतना शब्द है ये बहुत भटका हुआ है। अब क्या आत्मावादी है? एक ही चीज के कई जगह अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, कोई अल्लाह कह देता, कोई भगवान कह देता, कोई परमात्मा कह देता, तो हम जानते हैं कि हम एक ही की बात कर रहे हैं। तो जहां चेतना है वो आत्मा की बात भी वही है, चेतना आत्मा के कोई अलग अलग नहीं है। आप कह सकते हैं आत्मा अलग होती है, और अलग होती है तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी। मैं कह रहा हूं कहीं से पकड़ लो, अगर उस मूल तत्व को पकड़ने चलोगे तो उल्टा चलना पड़ेगा। अभी जो मैं ये बात कह रहा था, इन बातों को इस ढंग से कह रहा था कि आपको ये समझ में आ सके कि किस तरीके से निर्माण की प्रक्रिया है। आज भी वैज्ञानिक जब किसी चीज को जानने चलते हैं और पीछे और पीछे और पीछे, तो उसका एक ही तरीका है। यदि कार को जानना हो कि कार किस चीज से बनी है, तो कार को टक्कर दो, कार टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, इंजन अलग पता लग जाएगा, पहिया अलग पता लग जाएगा, सब चीजें अलग अलग निकल के खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए आज भी किसी भी चीज को जानने के लिए दो ही प्रोसेस हैं। यदि वो केमिकल प्रोसेस से जानना है तो उसको घुमाना पड़ता है, क्योंकि बहुत तेज घुमाने से पार्टिकल अलग हो जाते हैं, और जब पार्टिकल अलग हो जाते हैं तो पता लगता है इसमें क्या क्या है। और जब अभी वो खोज हुई थी ना, वो गॉड पार्टिकल की, उसमें भी यही था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसको जो था लड़वाया, इतनी गति से दौड़ाया कि वो आपस में टकराएं, तो उनके टकराने से कुछ चीजें पैदा हुई, उसकी गणना करके उन्होंने उसके अंदर के तत्वों को खोजा। तो मैं भी अभी अब आपको इस बॉडी में, अगर एक लंबे प्रोसेस से वैज्ञानिक मानो, तो इस बॉडी में इस अस्तित्व के सारे ही तत्वों की नॉलेज है, क्योंकि हमारे अंदर हर तत्व है। आपने जो डायनासोर के समय में पानी था, उस पानी का भी अंश है, और डायनासोर के समय में जो मिट्टी उड़ रही थी उसका भी अंश है, और जब ये अस्तित्व बना ही बना था उस वक्त की भी इसमें जानकारी। तो अगर मैं यहां पर आके कहूं कि मैं ही चेतना हूं, तो इसे फिलोसफिकल अगर हो गई तो जानने की जरूरत नहीं, मेरेडिकॉप खुद जान जाओ, मैंने जाना तुम भी जानो। लेकिन जहां बात आती है कि हम इस पर चिंतन कर पाए, और उस चिंतन करके हम मस्तिष्क की उन बातों को शांत कर पाए
जो हमें इस अनुभव की ओर जाने से रोकती हैं, तो उसके लिए हमें उनको टकरा के पार्टिकल्स को अलग करना पड़ेगा, जो मैं कर रहा हूं। इतनी देर से वो पार्टिकल्स ही अलग कर रहा था कि ये पार्टिकल्स अलग हो तो हम कुछ चीजों को समझ सकेंगे, और उससे बहुत विज्ञान क्लियर होते हैं। जैसे अब जो बात आप सुनने जाएंगे वो थोड़ी नई है, चेतना ही है, लेकिन हिंदू धर्म में वो पुनर्जन्म का कारण बन जाती और वाकई होते, लेकिन सबके होते ऐसा नहीं। ये भी हिंदू धर्म ये भी मानता कि सबके नहीं होते, लेकिन हो सकते हैं। दूसरा मुस्लिम धर्म कहता है यहां कोई भी पुनर्जन्म नहीं होता, मुस्लिम धर्म के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता। और सबसे ज्यादा प्रेत बनने की घटना, जो मैंने कहा व्हाइट हाउस आज भी दुनिया के सर्वाधिक भूतों का, चलते फिरते भूतों का अड्डा है, जहां खूब प्रमाण मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वहां पे कोई पुराना राष्ट्रपति आके और एकदम कहता है सलूट मारो, और लोग सलूट मार देते, उन्हें मालूम है राष्ट्रपति टहल रहे हैं। ये वाकई प्रमाण है, दबाई जा रही है बात, लेकिन कुछ लोग इसको खोल भी रहे हैं पूरे तरीके से। अब ये क्या कारण है इसके पीछे, अब जो सुनोगे उससे कुछ बात और क्लियर हो जाएगी। एक प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग यहां नहीं है, वो प्रयोग समझने जैसा प्रयोग। तीनों मेथड में एक खास बात है, बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का तरीका। हिंदू जला के खत्म करते, मुस्लिम दफना के, क्रिश्चियन ताबूत में दफना के, और यही तीन मेथड पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ। अब इन तीनों के परिणाम समझो। अब एक प्रयोग ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं हम एक बर्फ की सिल्ली लेते हैं और उसको हम आत्मा मान लेते हैं, शरीर मान लेते हैं, और पिघलने के बाद जो पानी का स्वरूप होता है उसको हम आत्मा मान लेते हैं, ठीक है। और तीनों सिल्लियों के अंदर 100-100 कबूतर टाइप की मेमोरी मौजूद है, 100-100 कबूतर टाइप की मेमोरीज हैं, 100 कबूतर हैं। ऐसे बर्फ की सिल्ली के अंदर 100 कबूतर कैद हैं, जब वो पिघलेगी तो 100 कबूतरों का रूप लेके डिस्ट्रॉय होगी, ऐसे करके हम एक कल्पना तैयार कर लेते हैं। अब इन तीनों को तीनों प्रोसेस से गुजारते हैं। पहले प्रोसेस को हम आग पे जलाते हैं, आप बता सकते हैं सिल्ली कितनी देर में जल जाएगी? कितने? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे के अंदर सिल्ली बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब 2-3 घंटे के अंदर कबूतर ऐसे उड़ेंगे, एक उड़ा, दो उड़ा, तीन उड़ा, चार उड़ा, पांच उड़ा, 100 उड़ा, ये 100 उड़ गए। अब जरा दफना देते हैं, दफना के सिल्ली कितनी देर में खत्म होगी? कम से कम 6-7 महीने बाद वो मिट्टी सूख पाएगी, नहीं तो गीली रहेगी, जहां वो दफनाई जाएगी वो गीली रहेगी। देखिए 6-7 महीने बाद वो डिस्ट्रॉय तो हो ही जाएगी, तो उसके कबूतर कैसे उड़ेंगे? एक उड़ गया, दूसरा उड़ेगा, तो 100 कबूतर है ना, तो आराम आराम से 1-2-3 दिन बाद उड़ेंगे। फिर एक तीसरी चीज है कॉफिन में दफनाना। कॉफिन में अगर हम किसी सिल्ली को दफना दें, कॉफिन बहुत अच्छा हो जैसे राष्ट्रपति के होते, तो कोई बता सकता है कि सिल्ली कितने दिन बाद पानी तक खत्म हो जाएगा? मुझे लगता है सालों में नहीं खत्म होगा, क्योंकि थ्री इयर्स। और शायद मैं समझता हूं कॉफिन बहुत बढ़िया हो, उसमें तो पानी के आप लहजे से बता सकती है 3 साल, लेकिन थोड़ा सा जब मैं चेतना के स्तर पर ऐसी बात कर रहा हूं तो इसको समझने के लिए समझें। किसी भी जगह जन्म लेने के लिए मां के पेट में जब बच्चा एंट्री करता है तो पहला कबूतर एंट्री करता है, उसके बाद धीरे धीरे सारे कबूतर वहां उतरें और 100 कबूतर पूरे उतर जाएं, तब पुनर्जन्म होता है।
अब जो कबूतर तुरंत उड़े हैं एक के पीछे एक, वो जहां एक उतरेगा वहां सब उतर सकते हैं, ये कारण बनता है पुनर्जन्म का। अब जो कबूतर एक आज उड़ा, एक दो दिन बाद, वो कबूतर तो सब भटक गए, और जो भटक गए वो उतरे हैं कहां? एक जगह तो सब नहीं उतर सकते, सब अलग अलग आशियाने बना लेंगे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि भाई तेरे अंदर ये बात गांधी जी वाली है, और ये बात तेरे अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर वाली, ये बात तेरे अंदर हिटलर से मैच खाती है, और ये बात तेरे अंदर इस ढंग से, तो मिक्सअप हो जाता है। और जो वो जो तीसरा आयाम है जिसमें वहीं पे सारे कबूतर हैं और रूप भी खो बैठे, बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बॉडी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर के 100 कबूतर वहीं रह जाएंगे क्योंकि वो इकट्ठे हैं। और वो कुछ नेचर में एक व्यवस्था है कि कोई भी चीज, कोई भी जगह, किसी भी प्रकार की एनर्जी यदि रुक जाती है तो नए प्रकार के एनर्जी का, नए प्रकार के आयामों का निर्माण आरंभ कर देती है। जैसे अगर मेरे शरीर में कहीं कोई ब्लॉकेज हो जाए किसी चीज का, तो वही ब्लॉकेज कैंसर का निर्माण कर लेगा। कैंसर हमारी बॉडी के हिसाब से तो गलत बोला जा सकता है, लेकिन कैंसर के हिसाब से तो उसका निर्माण एक नया निर्माण है, वो एक नया जगत की रचना कर रहा है। तो उसी प्रकार जब एक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एक विशेष तरीके से कहीं ब्लॉक्ड होती है, क्योंकि वो पंच तत्व निर्मित और पंच तत्व विलीन का माध्यम नहीं बन पाती, वो पांचों तत्वों में से किसी का उपयोग नहीं कर पा रही, ना तो वो मिट्टी के संपर्क में आ पा रही, ना वो अग्नि के संपर्क में, ना वो पानी के संपर्क में आ पा रही, तो वो सबसे पृथक है, और उसे एक बॉक्स ने, मनुष्य द्वारा निर्मित बॉक्स ने पृथक कर रखा है। तो वहां पे एक ऊर्जा जिस ढंग से फंसती है, तो कभी कभी वो उसी तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कर लेती है जिस तरीके का शरीर उसका पहले रहा। और जो लोग औरास देखने में सक्षम है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको औरास दिखते हैं, जिनको ऐसी फील्ड्स दिखाई दे जाती हैं, ऐसे लोगों को वो भूत के रूप में दिखाई देते हैं कि होते कुछ ऐसे नहीं है। और उन लोगों को जिनको दिखाई देते हैं, कभी कभी उन्हीं के कानों की ऐसी फ्रिक्वेंसी सेट होती कि उन्हें वो सुनाई भी देते हैं, उनका वजूद उन्हीं तक है, उनका वजूद वो उन्हीं लोगों के बीच ही कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे इस समय यहां रेडियो की तरंगे हैं, लेकिन अगर हमारे पास रेडियो नहीं है तो हम सुनेंगे क्या? तो वो एक नए प्रकार का लोक तो है। अब हां, आपको क्योंकि और हमको हमारी पांच इंद्रियां अलग तरीके से वर्क करती हैं, तो ऐसी स्थिति में हम चमत्कार उन्हीं बातों को मान सकते हैं जो बातें हमारी इंद्रिय की पकड़ में सामान्यता नहीं आती थी और फिर आने लग गई।